कि पैसा आए तो अहंकार ना जाए। पैसा जब आता है तो बहुत सारी बुराइयां लेकर आता है। पैसा जब भी आता है तो एटीट्यूड लेके आता अहंकार। यदि आप अहंकार से बच गए तो पैसा सदा आपके पास रहेगा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जब आपके पास दूसरी भावना ये रहेगी कि पहली भावना ये कि धन आएगा, मैं अहंकार नहीं, अहंकार तब नहीं आएगा जब आप ये मान लेंगे कि संपत्ति सब ईश्वर की है, तो अहंकार का सवाल खड़ा नहीं होता। आप ये मान लेंगे कि ये मैं मालिक हूँ इस धन का, तो एटीट्यूड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। पहला कि धन आए तो अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार इस तब नहीं आएगा जब आप ये मान के चलेंगे कि ये सब कुछ भगवान का है। मैंने समस्या भी बता दी, समाधान भी बता दिया। धन के साथ अहंकार आएगा ये समस्या है, समाधान ये है कि वो भगवान का है ये सोच लोगी तो कभी अहंकार नहीं आएगा। ये पहली बुराई है धन के संग। दूसरी बुराई, जो व्यक्ति जितना धनी होता है वो उतना लालची हो जाता है। जो व्यक्ति जितना धनी होता है वो उतना कंजूस हो जाता है। आपको पता है ये बात, जिसके पास जितना ज्यादा होता है वो उतना ही कंजूस होता है। तो दूसरी बात, जब धन आए तो धन को धर्म से जरूर जोड़िएगा, परोपकार। मैं ये नहीं कहता कि कहावत है तेली के तेल होता है तो पहाड़ में नहीं पोतता। धन आवे तो उल्टे कामना कीजिएगा, धन आवे तो जरूरतमंदों की सेवा, धन आवे तो गरीब बेटियों का विवाह, जरूरतमंदों की सेवा, भूखों को भोजन और जिनके वस्त्र नहीं उन्हें वस्त्र, जरूरत जिनको है आपके धन की उन्हें भाव से दीजिए कि ईश्वर ने हमें दिया है तो शायद इन लोगों को देने के लिए ही परमात्मा ने हमें दिया है। इस भाव से यदि धन का आप सदुपयोग करते हैं तो लक्ष्मी माँ प्रसन्न होके आपके घर ही रहती हैं। नहीं तो कई बार देखा यह जाता है, धन आया और चला गया, पैसे आए और चले गए, टिकते नहीं है। महाराज जी हमारे घर तो पैसा टिकता ही नहीं, ऐसा लोगों की समस्या, क्योंकि आप दो चीजों को ध्यान नहीं रखते। पहला ये समझ के चलो कि ये संपत्ति सब ईश्वर की है, मैं इसका मालिक। धन के बिहार की महिलाएं अपने पति को क्या बोलती हैं? बिहार, आप में से कोई बिहार का है? अच्छा भैया, आप बिहार की हो, बताओ आप अपने पति को क्या बोलती हो, बोलो। मालिक। बिहार में अधिकाधिक पति को मालिक बोला जाता है, हाँ या ना हो? बिहार के बताओ, ऐसे ऐसे अच्छे वाला हिलाओ। तो बिहार में पति को क्या बोला जाता है? मालिक। मालिक जी यहाँ ये, मालिक जी, मालिक जी, मालिक जी, वहाँ की भाषा है। पत्नी पति को मालिक बोलती है। यदि आप कहते हैं कि मैं धन का मालिक हूँ तो लक्ष्मी के पति आप ही बन रहे हैं, क्योंकि मालिक पति को कहा जाता है। यदि आप कहेंगे कि मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, यदि आप ये कहते हैं कि मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इन पैसों का मालिक हूँ, तो मालिक मीन्स पति, तो लक्ष्मी के पति क्या तुम हो सकते हो? लक्ष्मी के पति कौन है, बोलो? लक्ष्मी के पति कौन है? लक्ष्मी के पति हैं नारायण, श्रीमन नारायण। लक्ष्मी पति केवल भगवान नारायण है। तुम और हम लक्ष्मी पति कभी नहीं हो सकते, हम तो लक्ष्मी पुत्र पुत्रियां तो हो सकते हैं। लक्ष्मी पति केवल नारायण है। जब आप ये कहते हैं मैं मालिक हूं, तो आपका ये जो एटीट्यूड है, अहंकार है, मैं मालिक हूं, ये आपके पतन का कारण बन जाता है। इसलिए कभी धोखे से भी ये ना कहिए कि मैं लक्ष्मी का मालिक हूं, ना, मैं लक्ष्मी का पुत्र हूं, लक्ष्मी मेरी माता है।
पुत्र बन के रहो तो अच्छा है, पति बन के ना रहना। इसलिए किसी को लक्ष्मी पति नहीं बोला जाता है, ना? करोड़पति तो कहा जाता है, लखपति तो कहा जाता है, लक्ष्मीपति केवल नारायण को कहा जाता है। इसलिए ये हटा दीजिएगा कि मैं मालिक हूं। मालिक किसे बनाओ? मालिक बना दो गोविंद को। हे श्याम सुंदर, आप ही मालिक हैं इस संपत्ति के, आप ही मालिक। तो आपका अहंकार आने का सवाल ही खड़ा नहीं होता।